नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार, आज दिनांक 15 मार्च 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से। एक बहुत बड़ी खबर, खुशखबरी आप सबको बताने के लिए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लिए न केवल भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया है, बल्कि एक विशाल धनराशि भी उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए जारी कर दी है। तो साथियों, पूरा वीडियो ध्यान से सुन लेंगे। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। युगांतर न्यूज को भी और तप जप को भी और अन्य उन YouTube चैनल्स को भी जो मेरे वीडियोस को डाउनलोड करके अपने अपने YouTube चैनल्स पर चलाते हैं, तो ये काम जरूर कर लेना। ये फ्री का काम है, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। दोस्तों अगर आप मेरा वीडियो ध्यान से नहीं सुनेंगे तो निश्चित रूप से आप नुकसान में रहेंगे। तो इस वीडियो संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना, ताकि देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को सही जानकारी मिल सके और वो इस सही जानकारी का लाभ उठाते हुए अपनी डूबी हुई जमा राशि वापस प्राप्त कर सकें, भले ही उनकी जमा राशि किसी भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में फंसी हो, डूबी हो, जमा हो। तो दोस्तों पहले मैं अपने तमाम उन साथियों का आभार व्यक्त कर दूं, धन्यवाद व्यक्त कर दूं, जिन्होंने 12 मार्च 2024 के हमारे ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली स्थित माननीय प्रधानमंत्री जी के अभिनंदन समारोह में भाग लिया, उनका भी धन्यवाद। जो छिटपुट एक दो लोगों ने विरोध किया या आलोचना करते हुए खिसक लिए, उन सबका भी धन्यवाद है। और जिन्होंने तन्मयता से, तन से, मन से, धन से इस कार्यक्रम में सहयोग किया, भाग लिया, उन सबका तो कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि अभिनंदन। क्योंकि ऐसा कार्यक्रम आज तक हिंदुस्तान में कभी ठगी पीड़ितों ने आयोजित नहीं किया, जिस वजह से पिछले 75 साल से लगातार ठगी पीड़ित अपनी जमा राशि को वापस पाने के लिए दर दर के धक्के खाते रहे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आते रहे, कहीं सहारा सीआरसी पोर्टल लॉन्च होते रहे, कहीं सेबी पीएसीएल रिफंड पोर्टल बनते रहे, कहीं कोई लिक्विडेटर अपॉइंट होते रहे आदर्श जैसी ठग कंपनियों पर, तो कहीं साईं प्रसाद और साईं प्रकाश और समृद्धा जीवन जैसी हजारों ठग कंपनीज और ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज पर तरह तरह की कार्रवाइयां होती रहीं, लेकिन पैसा किसी का नहीं मिला, भले ही वो केबीसील हो, केबीसीएल हो, करम भूमि हो, बाइक बोट हो, हेलो टैक्सी हो, टॉप राइड हो, शाइन सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, कैची पिक्सल हो, आरएमसीएल हो, ब्लू फ्लेक्स मोशन हो, रोज वैली हो, पिनकोन हो, सक्षम डेयरी हो, एचबीएन हो, विश्वामित्रा हो, अल्केमिस्ट हो, कैमना हो, या ट्रिनिटी जनशक्ति जैसी मल्टी स्टेट ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज रही हों, 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका जमा धन आपको वापस मिल गया हो। और ये इसलिए नहीं हो सका क्योंकि हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने आपके लिए कोई भुगतान की गारंटी का कानून नहीं बनाया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी विफल होते रहे, सेबी विफल होता रहा, लिक्विडेटर अब विफल होते रहे, कंज्यूमर कोर्ट्स विफल होती रहीं, स्टेट के पीआईडी एक्ट्स विफल होते रहे और दूसरी तमाम जो प्रक्रियाएं मैकेनिज्म सरकारों ने बनाए थे वो सब विफल होते रहे। और उसका बड़ा एक दूसरा कारण ये भी था कि कानून तो भुगतान का था ही नहीं, लेकिन हमारे जमाकर्ता, निवेशक, एजेंट साथी भी जागरूक नहीं थे, उन्होंने कभी अपनी एकता का, सामूहिकता का परिचय नहीं दिया। लेकिन दोस्तों हमारे संगठन ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार ने छोटे से अंतराल में वो काम करके दिखा दिया, देश के करोड़ों निवेशकों को, जमाकर्ताओं को, एजेंट्स को जागरूक कर दिया, उनके भुगतान की सुरक्षा की गारंटी के लिए कानून बनवाया, उसके नियम तय करवाए,
उसको क्रियान्वित कराने के लिए सेंट्रल डाटाबेस बनवाया। और दोस्तों, बहुत सारे काम आपके लिए हमारे संगठन ने ऐसे करवाए जो अब तक हिंदुस्तान में नहीं हुए थे, क्योंकि तमाम संगठन या तो सरकारों का विरोध करते रहे या सरकारों की गुलामी करते रहे। कभी सरकार के पास कोई ऐसा प्रपोजल उन्होंने नहीं भेजा जो हमारा संगठन समय समय पर विरोध के समय भी भेजता था। और आज जब हम सरकार के, खास तौर से अपने यशस्वी प्रधानमंत्री के समर्थन में खड़े हैं, तो हम आज भी उनको लगातार आपके हितों की संरक्षा के लिए, आपके भुगतान के लिए लगातार प्रस्ताव भेजते रहते हैं, ज्ञापन भेजते रहते हैं। और न केवल दिल्ली में कार्यक्रमों के माध्यम से बल्कि पूरे देश भर में डीएम, एसडीएम, तहसीलदार, एसएसपी, एसएचओ, सीएम्स के माध्यम से भी हमने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री को ज्ञापन भिजवाए हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान हो। और आप सबको एक मंच पर लाकर हमने आपकी पीड़ा को सामूहिक स्वर दिए हैं, जिससे प्रभावित होकर या कहें आप द्वारा दी गई सूचनाओं से द्रवित होकर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल व्हाट्सएप 2019 आपके लिए बनाया, अपितु आपके लिए दोस्तों जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष का भी निर्माण किया, जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट में IEPF बोल देते हैं। और उसमें 25,000 करोड़ रुपए की राशि जमा कराई, स्वीकृत की उसके लिए, ताकि आप सबको जागरूक किया जा सके, आपको एजुकेट किया जा सके। और 25,000 करोड़ रुपए के अलावा लगभग 48,461 करोड़ रुपए भी इस कोष में ट्रांसफर कराया, जो पैसा बैंकों में निष्क्रिय पड़ा हुआ था, तमाम देश भर के बैंकों के निष्क्रिय खातों से वो पैसा भी IEPF अकाउंट में ट्रांसफर करा दिया, ताकि जमाकर्ताओं के, निवेशकों के बीच जागरूकता फैलाई जा सके, उनको एजुकेट किया जा सके और उनकी क्षतिपूर्ति की जा सके। दोस्तों, ये बड़ी बात है, 75 साल के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। जो लोग हमसे ये कहते हैं, हम पर ये आरोप लगाते हैं कि हम सरकार के सामने झुक गए हैं या बिक गए हैं या गुलामी करने लगे हैं, उनके आरोप निराधार हैं, उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। वो तमाम लोग चंदे का धंधा करने वाले बेईमान लोग थे या ठगों के दलाल थे। उनको लगता है कि इस संगठन ने सही मार्ग पर चलकर, सही सूचनाएं दे दे करके, सरकार को प्रस्ताव भेज भेज करके, सरकारी अधिकारियों को जगा जगा करके, नई नई चीजों की, नए नए कानूनों की, नए नए नियमों की स्थापना करवाकर, भुगतान पटलों की स्थापना करवाकर उनका चंदे का धंधा और दलाली बंद करवा दी है। अब वो देश के डरे हुए एजेंट्स और निवेशकों का शोषण नहीं कर पाएंगे, उनसे धन वसूली नहीं कर पाएंगे। ऐसे इसलिए ऐसे तमाम ठग और उनके दलाल हमारे संगठन का, हमारा, हमारे न्यूज चैनल्स का विरोध करते हैं। दोस्तों, इस विरोध से कोई असर हम पर नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारा मार्ग सत्य का है, न्याय का है, कानून का है, आपके भुगतान का है। दोस्तों, तो इसलिए हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि कौन हमारे बारे में क्या अफवाह फैलाता है। हमें केवल आपके भुगतान से मतलब है। हिंदुस्तान को ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने से मतलब है। और जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है कि वो तीसरे कार्यकाल में हिंदुस्तान को संसार के विकसित मुल्कों की श्रेणी में स्थापित करवाने के लिए और देश को विश्व की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए काम करेंगे, तो मैंने बार बार बोलता हूं, आज फिर भी बोलूंगा कि ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र का निर्माण किए बगैर ये सब नहीं हो सकता। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों ऐसे काम कर दिए हैं, हिंदुस्तान ठगमुक्त, बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित होगा, आपका भुगतान होगा, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित होगा और निसंदेह विश्व की तीसरी नहीं, प्रथम बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए दोस्तों। लेकिन ये गुड़ का पुआ नहीं है, हाथ पर सरसों नहीं उगाई जा सकती। इसके लिए सबको ईमानदारी से परिश्रम करना होगा। जो ईमानदारी से परिश्रम नहीं करेंगे वो
तमाम लाभों से निश्चित रूप से वंचित रह जाएंगे दोस्तों। इसलिए जरूरत आज ईमानदारी से काम करने की है, देश के शासन के साथ खड़े होने की है, खास तौर से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करने की है। उनके हाथों को इतना मजबूत कर दो कि फिर वो किसी के दबाव में ना आए, प्रेशर में ना आए, चूंकि छोटे छोटे प्रेशर गुट भी देश को खोखला कर रहे हैं, दीमक हैं, इनके समक्ष कई बार शासन को या शासकों को सौदेबाजी करनी होती है और अपने शासन को बनाए रखने के लिए इनके अनुचित दबाव में भी आना पड़ता है। इसलिए इस बार इतने हाथ मजबूत कर दो कि कोई भी ये छोटे छोटे जो गुट हैं, जो दीमक हैं देश के लिए एक तरह से कहें तो, ये सब नष्ट हो जाएं और देश वास्तव में विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित हो, विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित हो। और आप सबका भुगतान तो चूंकि 73,461 करोड़ रुपए हैं दोस्तों आपके कोष में, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रभावशाली भूमिका के कारण जमा हुए हैं, ये बटने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। आपको हम भेज रहे हैं प्रस्ताव के इसी में से जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता के साथ साथ आपके लिए एक अलग से क्षतिपूर्ति कोष की स्थापना भी कर दी जाए और उस क्षतिपूर्ति कोष के माध्यम से देश के उन तमाम निवेशकों का, जमाकर्ताओं का धन वापस करना आरंभ किया जाए जिनका भी पैसा किसी भी कंपनी या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जमा है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों शेरशाही, भारतीय प्रतिभूतिकरण परिसंपत्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री, सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन असेस्ट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया को सेंट्रल रजिस्ट्री के रूप में अपॉइंट कर दिया है। ये जो शेरशाही है यही बर्ड्स एक्ट की सेंट्रल रजिस्ट्री होगी, यही इसने सेंट्रल रजिस्ट्री ने देश के तमाम राज्यों को आदेशित कर दिया है कि वो जल्दी से जल्दी अपने अपने राज्य में चलने वाली पोंजी स्कीम्स और पिरामिड स्कीम्स, डिपॉजिट टेकर्स कंपनीज और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज की इंफॉर्मेशन एक निश्चित तय समय सीमा के अंदर निश्चित फॉर्मेट में सेंट्रल रजिस्ट्री को प्रेषित करें, उपलब्ध कराएं। और इस आदेश के कारण देश के तमाम संभागीय आयुक्त, देश के तमाम एडीएम, डीएम, एसडीएम, तहसीलदार आपका डाटा तैयार करने में जुट गए हैं। ऐसे आदेश की कॉपी तमाम जो इसकी शेरशाही की साइट है उस पर अपलोड कर दी गई हैं और तमाम जो बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी हैं उनको भी प्रेषित कर दी गई हैं। आप चाहें तो अपने अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019 के यहाँ जाकर इस आदेश की कॉपी प्राप्त कर सकते हैं और उन्हें अपने साथ हुई ठगी के विषय में विस्तार से बता सकते हैं। जिस कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, प्रोपराइटरशिप, निधि, कॉरपोरेशन, एनबीएफसी समूह वगैरह ने आपको ठगा है, आप उनके विषय में पूरी इंफॉर्मेशन, डिटेल्ड जानकारी अपने नज़दीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी को देकर शासन को सहयोग कर सकते हैं, अपना भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। इसमें अब कोई विलम्ब नहीं है। यदि आपको भुगतान नहीं हो रहा है तो ये आपकी कमी है दोस्तों, आपकी गलती है। आप सोचते हैं कि आपका पैसा घर बैठे कोई तुरंत आपको आपका एजेंट दे जाएगा, एजेंट आपको पैसा नहीं दे पाएगा। आपका पैसा सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी बर्ड्स एक्ट 2019 को देना है। ये आदेश भी है, ये एक्ट भी है, ऐसे रूल्स भी हैं। इसलिए आप जो आपको अधिकार दिया गया है बर्ड्स एक्ट 2019 के अंतर्गत दोस्तों, भुगतान की गारंटी का, आपकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा 180 दिन में सरकार वापस करेगी। अपने उस अधिकार का प्रयोग करें, अपने नज़दीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी को अपना भुगतान का आवेदन भेजें, क्लेम फाइल करें
और अगर आपको अपने नजदीकी सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के विषय में पता नहीं है कि कौन है, या आपका आवेदन लेने से कोई मना करता है, आपका डीएम डीसी वगैरह, तो आप अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक से देश के प्रधानमंत्री जी को, अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को या गवर्नर को या राज्यपाल को या डीएम को या डिविजनल कमिश्नर को भी भेज सकते हैं। आपका आवेदन स्वतः वहां से फॉरवर्ड होकर आपके नजदीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के पास आ जाएगा और वो उसकी पुलिस से या राजस्व अधिकारियों से जांच करवाकर आपका भुगतान करवाएगा। ये प्रक्रिया है छोटी सी, इसको सभी को फॉलो करना पड़ेगा जिनको भी पैसा लेना है अपना, चाहे वो किसी भी कंपनी या किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जमाकर्ता हों, निवेशक हों। दोस्तों, एजेंट भी तमाम जमाकर्ता हैं, निवेशक हैं, उनको भी इसी एक्ट के अंतर्गत अपना अपना आवेदन फाइल करना है। पोर्टल बना दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, मैंने बता दिया, वर्ड्स रजिस्ट्री पोर्टल इसका नाम है और शेर साई इसको लुक आफ्टर करेगा और आपकी क्षतिपूर्ति कोष का गठन करवाने के लिए हम प्रपोजल भेज रहे हैं। और चूंकि मैं पहले भी बताता रहा हूं कि एक हमें निगरानी तंत्र विकसित करना पड़ेगा, चूंकि इतनी विशाल धनराशि कोष में पड़ी हुई है, लगभग 73,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, ये सहारा वाले 5,000 करोड़ को देख देख के सुन सुन के पागल होते रहते हैं दोस्तों, ये उससे कई गुना बड़ी राशि है, 73,461 करोड़ रुपए। इसको बेईमान अधिकारी न खा जाए, इसका मिसयूज ना हो जाए, इस पर निगरानी देश के उन तमाम ईमानदार नागरिकों को करनी है, हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के स्वयं सेवकों को करनी है, ताकि ये पैसा सही तरीके से बिना किसी दलाली के, बिना किसी कमीशन के, बिना किसी परेशानी के उन लाभार्थियों तक पहुंच सके जिनके साथ कोई ठगी हुई है। हमें ये काम अब तत्परता से करना है दोस्तों, और जैसे ही यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधान सेवक के रूप में शपथ लेंगे, उसके तुरंत बाद हमें कम से कम 100 साथियों की एक टीम बनानी है और वो सब लगातार 1 महीने तक राजधानी दिल्ली में रहेंगे। उनके नीचे हर राज्य में 100 साथियों की टीम बनानी है, वो अपने अपने राज्यों की राजधानियों में जाकर अधिकारियों से संपर्क स्थापित करेंगे और भुगतान कराएंगे। उसके नीचे जिला वाइज भी एक वॉलंटियर टीम बनानी है दोस्तों, ताकि वो अपने जिलों में और तहसीलों में भी इस कानून की निगरानी कर सकें, उनका भुगतान करा सकें जो भी ठगी पीड़ित हैं। इस काम को हमें तत्परता के साथ करना है साथियों, और ईमानदारी के साथ करना है। ये ध्यान रखना, ईमानदारी का बहुत महत्व है इस पूरे कार्यक्रम में। अगर आपके मन में जरा सा भी द्वेष आ गया, लालच आ गया, बेईमानी आ गई, तो निश्चित रूप से ये बना बनाया काम भी बिगड़ जाएगा, फिर आप अपने भुगतान के अधिकार से वंचित रह जाएंगे। थोड़ा सा संयम रखना है दोस्तों, चूंकि ये बहुत जल्दी होने वाला काम नहीं था, लेकिन अब बहुत कुछ हो चुका है, अब आप अंतिम मोर्चे पर खड़े हो गए हैं, आप शासन को सहयोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से शासन भी आपको सहयोग करेगा, प्रोटेक्शन देगा और आप सबका भुगतान होगा। जिनका हो चुका है उनसे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है, जो व्यथित हैं, वो मेरे बताए हुए इन तमाम कामों को कर लें। मैं बहुत जल्दी अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ एक बड़ी बैठक करूंगा साथियों, वो यूपी में आयोजित हो सकती है, दिल्ली में आयोजित हो सकती है, मध्य प्रदेश में आयोजित हो सकती है, महाराष्ट्र में हो सकती है, कर्नाटक में हो सकती है, तेलंगाना में हो सकती है, हरियाणा में हो सकती है, पंजाब या हिमाचल या उत्तराखंड या बिहार या झारखंड या छत्तीसगढ़, जहां भी सूटेबल लगेगी, जहां तमाम साथी पहुंच सकें, हमारे खास करके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी, तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम जिला अध्यक्ष, इन सब के को सामूहिक रूप से एक बैठक आयोजित करेंगे, उसमें सभी को बुलाएंगे। ये जो सेंट्रल डाटाबेस बनाया गया है, सेंट्रल रजिस्ट्री पोर्टल बनाया गया है, इसके बारे में तमाम प्रमाणिक जानकारी, सूचनाएं, ब्राउचर्स वगैरह आपको उपलब्ध कराने हैं, और आप सबकी मुलाकात उन शीर्ष अधिकारियों और शीर्ष नेताओं से भी करवानी है,
जिन्होंने आपके लिए ये महान कार्य किया है दोस्तों। तो मैं एक अपील और करना चाहूंगा कि जो विरोधी बकलोली करते रहते हैं आपके साथ, मुझसे उम्मीद मत किया करो। भले आदमी इतना टाइम कहाँ होता है कि सबका जवाब मैं देता रहूं, इतना बड़ा संगठन है, सब कुछ है, आप लोग भी थोड़ा सा जवाब दे दिया करो। डरा मत करो, दबा मत करो, इनसे कोई मोह मत रखो, लालच मत रखो, चूंकि आपके और आपके देश के सबसे बड़े दुश्मन हैं। इन लोगों के कारण ही आपके भुगतान में बाधाएं उत्पन्न होती हैं, चूंकि डिस्टर्ब करते हैं, हमारे मार्ग की बाधा बनते हैं, केवल इसलिए ताकि इनका दलाली का, चंदे का धंधा बंद ना हो सके। और मेरा लक्ष्य शुरू से ही ये रहा है कि मैं देश में दलाली और चंदे का विरोधी रहा हूँ। मैं तो इनको भी ठग बोलता हूँ, जितने भी ये टपका लपका और टोपीबाज हैं, इन सबको आपको अंत सुनिश्चित करना है दोस्तों। तो अपने इस कर्तव्य को भी ध्यान में रखा करें कि कोई जब मेरे ऊपर या हमारे संगठन के ऊपर बिना प्रमाण के लांछन लगाए, द्वेष भावना से हमारी आलोचना करे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया करें। अगर कोई समालोचक ना करता है, उसके पास कोई प्रमाण है हमारे खिलाफ, तो ऐसे व्यक्ति का आदर आपको करना है। लेकिन जो अप्रमाणिक देश भावना से उत्प्रोत होकर अपनी दलाली और चंदे के धंधे को बचाए रखने के लिए हमारे संगठन का या हमारा विरोध करते हैं, ऐसे लोगों को आपने बेरहम होकर मुंह तोड़ जवाब देना है। उनका कोई इज्जत मान सम्मान नहीं करना, उन्हें तो राष्ट्र शत्रु मानकर उसी तरह ट्रीट करना है जैसे देश के दुश्मन दाऊद को हम ट्रीट करते हैं। तो मिलता हूँ कल आपसे। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक हुआ है, नहीं तो गला बैठा हुआ था, कई दिनों से मैं बात नहीं कर पा रहा था। और उन लोगों को भी जवाब दे देना जो ये कह रहे हैं कि 12 मार्च के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, या किसी को भ्रमित किया गया या बहकाया गया कि अरे धूर्त और मूर्ख लोगों, तुम्हारी जरूरत थी, तुम कभी नहीं आए। तुम घर बैठ के तमाशा देखते हो, आलोचना करते हो या बाधा बनते हो, तो प्रधानमंत्री को क्या पड़ी थी तुम्हारे बीच में आने की, तुम आए क्यों नहीं, तुम आ जाते सब। प्रधानमंत्री की कंडीशन ये होती है 1-2 लाख इकट्ठे लोग हो जाएं तो वो आ जाएंगे, कहीं भी आ जाएंगे, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। जो आए, हमारे 4,000 से 5,000 प्रतिनिधि आए तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री के अभिनंदन स्वागत समारोह में, और उनको प्रधानमंत्री से मतलब नहीं था कि प्रधानमंत्री आए, उन्हें तो मदन लाल आजाद से मतलब था। तो मदन लाल आजाद 24 घंटे उनकी सेवा में थे। तो जो लोग प्रधानमंत्री जी को तलाश रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनसे कहना कि एक बार कोई इस तरह का कार्यक्रम तो करके देखो, एक पल के लिए ईमानदारी के रास्ते पर तो चलकर देखो, आ जाएंगे प्रधानमंत्री तुम्हारे बीच में आ जाएंगे। हमें तो जरूरत भी नहीं है कि प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आए या हमें अपने साथ बिठा के नाश्ता कराएं, चाय कराएं या फोटो खिंचवाएं। हमें तो केवल काम से मतलब है कि हमारा काम होना चाहिए, और वो काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है, इतने बेहतर ढंग से कर दिया है, कानून बनाकर कर दिया है, सेंट्रल रजिस्ट्री व्हाट्सएप बना करके कर दिया है, सेंट्रल डाटाबेस बना करके कर दिया है, आदेशों के माध्यम से कर दिया है कि आपका सबका भुगतान अगर उस कानून का उपयोग करोगे तो हो जाएगा, मिलना मिलाना तो चलता रहेगा। जिंदगी बहुत बड़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।